Hello. So today we will discuss a poem from the book Invitation to English for plus two second year students. The poem is written by a famous writer, Goparanjan Mishra. So one day he plans to visit to the nearby a pond in his locality to catch fish. He catches fish with the help of a fishing rod. So he shares his beautiful experience in the form of a poem. So it's a very short poem which he has written, and it's there in our Invitation to English Book 1. So we will go through it. In case you face any difficulties, you can write down the questions or your thoughts on the comment section, and then I'll make sure that I read it and I respond it to you and gets those doubt cleared. So hope we start the session. So I have made few slides for explaining the poem to the poem to you guys. So hope you like it, and in case you like it, please hit the like button and subscribe. Thanks. So let's start it. Let's just start with introducing our poet. The name of our poet is Goparanjan Mishra. So he was born in 1954. He is a very well-known poet in Odisha. He is an English teacher, and currently he is working as a principal in JKBK College, which is Jatiya Kavi Bir Kishore Das College. So this is a government college which is located in Cuttack. He is a very fun-loving guy. His poetry is full of enjoyment. So whenever he goes out somewhere to enjoy, most of the times he goes out in summers to enjoy near the pond, and then he takes his fishing rod along with him and then try fishing. फिशिंग या फिश पकड़ना उनको बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये उनका फेवरेट टाइम पास है. हमारा जो ये पोएम है फिशिंग, फिशिंग पोएम में कवि क्या करते हैं, फिशिंग रॉड लेके नदी किनारे बैठ जाते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, और ये क्या सोच के जाते हैं और उनके साथ क्या होता है, क्या हो जाता है उनके साथ, ये हम इस पर्टिकुलर पोएम में पढ़ेंगे. तो इस पोएम में पर्टिकुलरली यही सारा जो पार्ट है जो कवि लिखा हुआ है, तो ये सारा पार्ट को एक डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है. उस चीज़ को हम पढ़ेंगे. लाइक अ सीजन एंग्लर श्योर ऑफ हिज फीट विथ फिशिंग रॉड एंड लाइन एंड बेट, आई सेड यू ऑल वेट फॉर मी फिश फ्राई टू नाइट आवर डिनर विल बी. सीजन इन द सेंस इट इज़ एन एक्सपीरियंस्ड वर्क. फॉर एग्जाम्पल, जो एक प्रोफेशनल काम करता हुआ बंदा, मतलब एक प्रोफेशनल जो मछली पकड़ते हैं, जो द फिशर्स द फिशरमैन्स जो कि समंदर में जाते हैं मछली पकड़ते हैं, दीज आर प्रोफेशनल्स हु यूज अ नेट टू कैच फिश. बट यहाँ पे जो एंगलर लेके हम जो हमारा जो एंगलर है उसको यूज़ किया गया है. एंगलर इन द सेंस एक फिशिंग रॉड है, जो कि फिशिंग रॉड में फिशिंग रॉड के सामने एक एंगल टाइप का एक काटा होता है, जिस काटा आपका स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है, उसका पिक्चर जो है यहाँ पे शो किया गया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं. तो ये एंगलर को यूज़ करके फिशिंग किया है हमारे ऑथर ने या पोएट ने, ठीक है. तो फिशिंग रॉड एंड लाइन एंड बेट, सो बेट मतलब एक फिश होता है और एक फूड आइटम होता है जो आप उस कांटे में लगाते हो, जो उस कांटे के अंदर आप फंसाते हो, एंड देन यू टेक इट्स टू द पॉन्ड. और एक धागे के थ्रू, वो फिशिंग रॉड एक धागे के थ्रू होता है. ये फिशिंग रॉड कैसे दिखता है ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है, तो यू कैन ऑब्वियसली रेफर टू द पिक्चर. सो आई सेड यू ऑल वेट फॉर मी, तो हमने बोला, तो हमारे जो
फैमिली है, तो हमारे जो कवि के जो फैमिली है, उनके 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 मैडम है, तो उनको वो बोलते हैं कि यू वेट फॉर मी, आई विल कम, और मैं बहुत सारा मछली जो है वो कैच करने जा रहा हूँ, एंड वो सारा मछली मैं कैच करके हम जब आएंगे तो हम उसको डिनर में फ्राई करके खाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट दे आर प्लानिंग। तो डिनर में मछली पकड़ के खाने का बड़ा मूड है उनका, तो इसीलिए उस मूड को नज़र रखते हुए वो गए मछली पकड़ने के लिए। तो मछली पकड़ेंगे और फिर मछली लाएंगे घर और फ्राई करके उनका खाने का मूड है। तो दो नन ऑफ देम डिड से अ वर्ड ऑन माई फेस, येट आई हर्ड सम चकल श्योर एट माई बैक, आई टोल्ड माई सेल्फ लेट मी कम बैक। सो हियर द पोएट इज ट्राइंग टू से, उनके घर वाले कुछ नहीं बोल रहे, नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। बट काफ़ी टाइम ऐसे होता है, इशारा इशारा में हम लोग बहुत सारी बातें कर लेते हैं। तो घर वाले बोलते हैं, एक टाइप का यस उनके मुंह से निकलता है कि हाँ आप जाओ, थ्रू एक्सप्रेशंस। ऑब्वियसली ही इज़ नॉट सेइंग समथिंग, हिज फैमिली इज़ नॉट सेइंग समथिंग, बट दे आर ग्रांटिंग परमिशन टू द राइटर दैट यस यू कैन गो अहेड एंड गो फॉर फिशिंग। ठीक है, तो इवनिंग टाइम ये प्लान करते हैं फिशिंग में जाने के लिए। ठीक है, 4 o'clock वो अपने घर से निकलते हैं और जो भी उनका फिशिंग फिशिंग रॉड हो गया, आपका बेट हो गया, एंड देन उसका जो स्ट्रिंग होता है वो स्ट्रिंग हो गया, वो सब कुछ एकदम प्रॉपर प्लान करके वो जाते हैं फिशिंग के लिए। सम चकल्स श्योर एट माई बैक, ठीक है, चकल्स इन द सेंस इट इज़ अ साइलेंट लाफ्टर। साइलेंट लाफ्टर मतलब धीरे धीरे जो मुस्कुराहट जो होती है वो उनको सुनाई दे रहा है। किसकी मुस्कुराहट है ये? तो ये जो मुस्कुराहट है वो उनके फैमिलीज़ की मुस्कुराहट है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका, मे बी उनका वाइफ है, तो वो मुस्कुरा रही हैं। आई टोल्ड माई सेल्फ लेट मी कम बैक, तो मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आई विल गेट सम फिश एंड आई विल गेट बैक होम, एंड देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू समथिंग गुड एट आवर होम। दो ना टू द फिशिंग पॉन्ड आई स्ट्रेट अवे रैन विथ फिशिंग टैकल एंड ऑफ कोर्स अ कैन, द मिनट्स पास्ट एंड द आवर्स ड्रैग, इट सीम्स नो लक दैट डे आई हैड। तो जो कवि हैं हमारे वो स्ट्रेट दौड़ रहे हैं, उनका जो लोकेलिटी है उस लोकेलिटी के आसपास एक पॉन्ड है, एक झील है, तो उस पॉन्ड में जा रहे हैं फिशिंग के लिए। ठीक है, वो अपने साथ अपना जो भी फिशिंग इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि आपका मैंने अभी बोला फिशिंग रॉड हो गया, एंड देन द स्ट्रिंग हो गया, एंड देन बेट हो जाता है, तो एवरीथिंग ही इज़ कैरिंग विथ हिमसेल्फ, दैट इज़ द फिशिंग टैकल, एंड देन ही ऑल्सो टेक्स अ कैन विथ हिमसेल्फ, सो दैट ही इज़ प्लानिंग कि मछली बहुत सारे होंगे तो ही हैज़ टू कैरी इट, सो ही इज़ टेकिंग अ कैन और अ बाल्टी विथ हिमसेल्फ, एंड देन ही गोज़ टू द पॉन्ड। द मिनट्स पास्ट एंड द आवर्स ड्रैग्ड, इट सीम्स नो लक दैट डे आई हैड। तो बहुत सारा टाइम हो जाता है, ठीक है, कुछ मिनट्स पास हो जाते हैं, एंड देन मिनट्स के बाद आवर्स पास होना शुरू हो जाते हैं, घंटे घंटों घंटों बीत जाती है फिर, लेकिन हमारा जो कवि है, जो पोएट है, उनको कुछ नहीं मिलता, एक भी मछली जो है उनके कांटे में नहीं फंसता। सो कवि इस चीज़ को उनका बैड लक बोलते हैं, मे बी उस दिन उनका लक ही ख़राब है जिसके वजह से एक भी फिश उनके फिशिंग रॉड में नहीं फंसता है। आई थॉट फिशलेस आई वुड रिटर्न होम एंड वुड फेस द जियर्स ऑफ सम। तो कवि को ये लग रहा है कि उनको जो है घर ऐसे ही लौटना पड़ेगा, कोई भी मछली उनको उस दिन मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा टाइम जो है वो ऑलरेडी बीत चुका है और ये अभी उनको कोई भी मछली नहीं मिलने वाला है और शाम का टाइम भी अप्रोच होने ही वाला है, तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि मुझे शायद बिना मच्छी के घर लौटना पड़ेगा।
I threw my line with a fervish wish. Oh God, today please give me a fish. I forgot to mention, what do you mean by jeers? तो jeers in the sense taunt होता है. तो लोग जो होते हैं वो आपके पीठ पीछे टॉन्ट मारते हैं, अरे कवि जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गया है क्योंकि उनको बहुत सारा फिशेस मिलेगा, वो घर वापस आएंगे, वो बहुत सारे मछली लेके वापस आएंगे, एंड देन उनको वो जो फ्राई उनको खाना उनका मूड था, बट हाउएवर ही डिड गेट एनी फिश. सो ही जब घर वापस वो जाएंगे तो टॉन्ट तो सुनना पड़ेगा, राइट? तो खास करके उनके जो वाइफ है वो तो टॉन्ट मारेगी ही. ये चलता रहता है. बट हाउ आई थ्रू माई लाइन विथ अ फर्विश विश. फर्विश विश मतलब एक विश होता है भगवान को, जब हम प्रे करते हैं, हे भगवान काश एक फिश मेरे जो है इस फिशिंग रॉड में लग जाए और मैं फिश लेस कैसे ना जाऊँ यहाँ से, एक ना एक फिश यहाँ पे तो लग ही जाना है. तो दिस इज़ व्हाट द पोएट इज प्रेइंग टू गॉड. एंड लो द फ्लोट सैंक रोज अगेन एंड पॉप्ड इट्स हैंड्स टू टेल मी देन दिस इज जस्ट द टाइम यू मैन टू कैच अ फिश इफ़ यू कैन. एंड तभी हमारे कवि को क्या दिखने के लिए मिलता है कि उनका जो फ्लोट होता है, ये फ्लोट एक पार्ट होता है आपका फिशिंग रॉड का, जो एक थर्मोकोल जैसे एक चीज़ होता है, वो फ्लोट करता रहता है पानी में ताकि जब मछली जो है वो फंस जाता है, ये जो पार्ट है जो फ्लोट करता रहता है वो अंदर सिंक होता है. तो कवि ने देखा कि ये सिंक हो रहा है, दैट मीन्स कोई ना कोई मच्छी जो है वो इर्द गिर्द उस रॉड के इर्द गिर्द या उस बेट के आसपास वो आ चुका है. एंड इट्स द करेक्ट टाइम टू जस्ट होल्ड इट राइट देयर ताकि उनका जो है वो मछली वो फंस सकता है, उस मछली जो है उस कांटे में फंस सकता है और उनको एक मछली प्राप्त हो सकता है. तो कवि जो है इस चीज़ को सुन के या देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं. टाइम इज स्टिल पासिंग बाय एंड अवर पोएट इज स्टिल सिटिंग बिसाइड्स द पॉन्ड कैचिंग फिश. So still he haven't got any fish in his fishing rod. So will he able to manage to get a fish caught in his fishing rod? So let's wait and figure it out through the rest of the poem. Without delay I pulled the string and what a catch did it bring. तो अभी जो है कवि के जो कांटा है उसमें एक मछली जो है फंस जाता है और इसके वजह से कवि जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं. अ वन फुट फिश ब्राइट एंड फेयर दैट रिगल एंड रिगल इन द एयर. तो एक फुट का जो मछली है उनके कांटे में फंस जाता है और वो मछली जब पानी के लेयर से जब ऊपर उठता है तो वो ऑक्सीजन नहीं मिलता है उसको, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो जो है हवा के में छटपटाता है और उसको कवि को ऐसे लग रहा है जैसे वो राउंड अबाउट गोल गोल घूमे जा रहा है हवा में. एट दिस माई जॉय न्यू नो बाउंड आई रैन एक्साइटेड राउंड एंड राउंड. तो ये देख के कवि जो है वो झूम उठते हैं और उनको बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि दो घंटे या उनको बैठे रहना पड़ा और एक भी मछली जो है उनके कांटे में नहीं फंसा था. तो अभी जो है वो जब महसूस कर रहे हैं कि एक मछली जो है वो कांटे में फंस गया है और वो मछली को वो देख पा रहे हैं वो कैसे छटपटा रहा है बिन ऑक्सीजन का, तो अभी कवि ये देख के बहुत ही खुश हो रहे हैं. वो खुशी के मारे अभी झूम रहे हैं. बट विद अ गैस्पिंग माउथ एंड विशफुल लुक. गैस्पिंग माउथ इन द सेंस बहुत ही एक्साइटेड जब हम हो जाते हैं तब वी ऑल्सो रन आउट ऑफ ब्रेथ. सो दैट इज़ योर गैस्पिंग माउथ एंड विशफुल लुक मतलब एक टाइप का स्ट्रेंज लुक वो मछली को देख के एकदम महसूस कर पा रहे हैं. एंड ही सेज इट सीम टू से प्लीज़ अनहुक मी एंड लेट मी गो अगेन.
तो ऐसा लग रहा है कि मछली बोल रहा है कि ये मैं ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं अभी मुश्किल में हूँ, और मुझे अनहुक कर दो, मुझे ये हुक से बाहर निकाल दो और मुझे वापस अपने जो पानी के अंदर है उससे उसमें जाने दो। तो ऐसे लग रहा है कवि को कि मछली जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है। तो ये देख के, ये सुन के और ये महसूस करके कवि जो है थोड़ा सा सैड महसूस कर रहे हैं कि मछली जो है वो बिना ऑक्सीजन का कैसे महसूस कर रहा होगा। तो कवि यही सोच के अभी इस उलझन में फंस गया है कि उसको छोड़ना है या उसे रख के घर ले जाना है, क्योंकि घर लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बता के आए थे घर में कि वो मछली लाएंगे और फुल टू एक प्लान बना के आए थे कि उसको कैसे रात के लिए पकाना है, उसको फिश फ्राई करके बनाना है और प्रॉपर डिनर कैसे वो प्लान करेंगे अपने फैमिली के साथ, ये पूरा प्लान हुआ था। अगर नहीं लेके जाएंगे वो मछली, छोड़ देंगे ऐसे ही पानी में, तो उनके उनको घर वापस जाके उनको टॉन्ट सुनना पड़ेगा। उनकी जो बीवी है, उनकी जो मिसेस है और उनकी जो फैमिली है, टोटली टॉन्ट मारेंगे, क्योंकि वो बहुत सारा वादा करके आए थे कि बहुत सारे मछली वो लेके जाने वाले हैं और फिश फ्राई एंजॉय करने वाले हैं रात को। बट ऐसे कुछ नहीं हो सकता जब वो मछली को वापस पानी के अंदर छोड़ने वाले हैं। तो मछली जो है अभी कांटे में फंस चुका है और वो मछली बिन ऑक्सीजन का वो हवा में छटपटा रहा है, और कवि को ऐसे लग रहा है, ऐसे फील कर रहा है कि वो कवि को रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे जाने दो, मुझे बहुत ही कष्ट महसूस हो रहा है और मुझे पानी में वापस जाने दो। यही बोल के मछली जो है वो कवि को रिक्वेस्ट कर रही है। इट सीम टू से प्लीज़ अनहुक मी एंड लेट मी गो अगेन टू माई होम, माई वाटरी डेन। माई वाटरी डेन इन द सेंस, ये पानी जहाँ पे हमारे मछलियाँ रहती हैं, बिन पानी के मछली जो है वो मर जाएंगी। तो इसीलिए मछली जो है वो बिल्कुल अभी कष्ट में है, ऑक्सीजन नहीं ले पा रही है, क्योंकि मछलियाँ जो है वो गिल्स के माध्यम से डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर जो होता है वही वो लोग इनहेल करते हैं। उनका जो लंग्स होता है, गिल्स लंग्स नहीं होता है, गिल्स के माध्यम से वो ऑक्सीजन अपना लेते हैं। इट्स आई डिड थिंक ऑफ माई 3 आवर्स लेबर एंड द स्पाइसी फिश फ्राई फ्लेवर। तो कभी जो अब है वो सोच रहे हैं कि उनका जो 3 घंटे का जो लेबर है, वो परिश्रम है जो उन्होंने किया है, कांटे को पकड़ के जो बैठे हैं 3 घंटा जो हो गया, उसका क्या होगा। जो मछली के जो जो फिश फ्राई के बारे में वो सोच रहे थे, जो फ्लेवर के बारे में जो इनहेल कर पा रहे थे, उसका क्या होगा। तो ये सब जो कवि है वो बैठ के सोच रहे हैं। सो बैक होम सम मॉकिंग फिश वुड स्टेयर फॉर नथिंग हाउ आई डिड केयर। तो ये बोल रहे हैं कि मैं जब घर वापस जाऊंगा, लोग जो है वो मेरा चेहरा देख के वो मुझे टॉन्ट मारेंगे, तो उसको क्या मैं झेल सकता हूँ। बट उनका तो केयर कर रहे हैं, राइट, फॉर उनके फैमिली, उनका जो फैमिली है उनके फैमिली के बारे में तो वो केयर कर रहे हैं। उनको बोला था कि वापस मैं रात को आऊँगा, शाम को आऊँगा वापस और मछली लेके आऊँगा और फिर हम डिनर करेंगे साथ में, मछली जो लेके आऊँगा उसको फ्राई करेंगे और डिनर करेंगे। बट उनका जो टॉन्ट है, बिन मछली का जब वो वापस घर जाएंगे तो टॉन्ट तो सुनना ही पड़ेगा। कवि जो है इसी बारे में सोच रहे हैं। वो दो पक्ष यहाँ पे हो गया है, तो क्या वो मछली को छोड़ देंगे या तो फिर और क्या हो सकता है। लेट्स रीड फर्दर एंड फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन, व्हाट द पोएट इज गोइंग टू डिसाइड फर्दर। द सन वॉज सिंकिंग बिहाइंड द हिल, अ स्ट्रेंज फीलिंग माई हार्ट डिड फिल। तो अभी क्या है, शाम का टाइम अप्रोच हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, धीरे 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 जो है सूरज अस्त हो रहे हैं, और एक स्ट्रेंज फीलिंग जो है कवि के हार्ट में उमड़ रहा है। वो क्या करें क्या ना करें इसके बारे में वो सोच रहे। वो क्या सोच के आए थे, वो सोचे थे कि
मछली पकड़ूंगा और मछली पकड़ के मैं घर में ले जाऊंगा, फैमिली के साथ एकदम फैमिली टाइम स्पेयर करूंगा और आराम से बैठ के मछली को जो है वो पका के फिश फ्राई बना के वो एंजॉय करेंगे। बट एक भी मछली उनके कांटे में नहीं फंसता है, अल्टीमेटली लास्ट में सिर्फ एक ही मछली फंसता है और मछली को देख के ऐसे लग रहा है उनको कि मछली जो है वो छटपटा रहा है जीने के लिए, कि जीने के लिए जो है उनका कोई भी उसका मन होता है जीने के लिए, लेकिन इसमें ऐसे कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मतलब कवि जो है वो सोच रहे हैं कि क्या मछली को वो जाने देंगे पानी के अंदर, उसका जो लाइफ है क्या उसको लौटा देंगे। तो इन दिस इवनिंग्स क्रिम्सन ग्लो विद ग्रेटर जॉय आई लेट इट गो, इन द इवनिंग्स मतलब शाम के टाइम जो क्रिम्सन का ग्लो होता है, जो ऑरेंज कलर का जो एटमॉस्फेयर हो जाता है, जो ब्राइट एटमॉस्फेयर हो जाता है, ढलते हुए सूरज का जो रोशनी चारों तरफ बिखर जाता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। दिस इज़ द पावर ऑफ नेचर। तो कवि के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग आती है, जो जॉय वो एक्साइटमेंट में वो खो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा भी एक लाइफ है तो इस मछली का भी एक लाइफ है और इसीलिए इसको और छटपटाना नहीं चाहिए, ऑक्सीजन के लिए और तड़पाना नहीं चाहिए, मुझे इसको पानी में वापस डाल देना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट द पोएट इज़ थिंकिंग एट द लास्ट एंड देन ही रियलाइजेस कि नेचर, सेविंग नेचर एंड सेविंग द एनवायरमेंट इज़ मोर एसेंशियल एंड देन ही थिंक्स अबाउट इट एंड एक्ट्स लाइकली। सो उस ये जो है हमारा यहाँ पे जो पोएट है, पोएम है, ये फिनिश हो जाता है। एंड देन वी हैव फ्यू ग्लॉसरीज दैट इज़ देयर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स बहुत सारे हैं इस पोएम में। सो ऑल ऑफ दिस इज़ रिटन हियर, सो यू कैन ऑलवेज रेफर टू इट। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द पोएम, सो इन केस यू फेस एनी डिफ़िकल्टीज यू कैन कॉमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो एंड आई विल मेक श्योर दैट ये आपके पास उसका आंसर मिल जाता है। सो टू सम अप विद टुडेज सेशन दैट वी हैड टुडे, सो वी डिस्कस्ड द पोएम फ्रॉम द इनविटेशन टू इंग्लिश बुक 1 फिशिंग, सो रिटन बाय गोपरंजन मिश्रा। सो होप यू लाइक द स्लाइड्स। इन केस यू फेस एनी डिफिकल्टीज एज आई सेड प्रीवियसली, सो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन ऑन माई वीडियो and ask any questions. So I do have all the question answers of this topic, but however, so we'll make it on a different video. So in case you ask for it, I will make a different video for it. So in case you want to share any feedback, you can also write that same on the comment box. So please do that and support my channel and hit the like button and share it with your friends so that they also take advantage of it. Okay, so see you guys on the next video. Do remember to subscribe to my channel and so that you will get all those videos in your notification and you don't miss any of my videos. Thanks a lot. Bye.